मैं हूं अंकिता सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। नए कृषि कानूनों के विरोध में अब पंजाब के कई जिलों में किसान कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन एक्वायर ना कर देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली से जम्मू के कटरा तक एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जाना है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक नया नेशनल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो कि दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा में से होते हुए पंजाब के अलग अलग जिलों से होता हुआ जम्मू में दाखिल होगा। पंजाब में यह हाईवे के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों के करीब 180 गांव के किसान की जमीन एक्वायर किए जाने का नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से किया गया है और उसके बाद अब इस मार्ग की निशानदेही की जा रही है और अन्य प्रशासन की तरफ से भी किसानों के दाखिल किए ऐतराज के संबंध में कागजी प्रक्रिया चल रही है। उधर इस एक्सप्रेसवे के विरोध जता रहे हैं किसानों की तरफ से एक संघर्ष कमेटी बनाई गई है और जिला गुरदासपुर में एक्सप्रेसवे किसान संघर्षक कमेटी के प्रधान बलविंदर सिंह पन्नू ने बताया कि जो कोई जमीन एक्वायर होने जा रही है उनका नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से हो चुके हैं और उनसे ऐतराज मांगे गए थे और अब पूरे पंजाब भर के किसानों की तरफ से ऐतराज दाखिल किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जहां उनके घर और जमीन जा रही है उनको हक के पैसे नहीं दिया जा रहा है और उन्हें कहा कि केंद्र सरकार के हर प्रोजेक्ट का आज पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, जब तक कि कृषि कानूनों में फैसला नहीं होता तब तक वहां भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। इसके साथ ही किसानों ने यह भी बताया कि प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी अपनी कागजी कार्यवाही जो उनकी सहमति के बिना चल रही है, जिसके चलते अब वहां सभी किसान जमीन एक्वायर होनी है, उनकी तरफ से एक मंच पर विरोध किया जा रहा है और प्रशासन से अपील की जा रही है कि वह इस हाईवे के संबंध में काम रोक दे। जब तक दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में उनके खेती मसल हल नहीं होते। उधर इस मामले में डीसी गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक के साथ बातचीत करते कहा कि इस हाईवे संबंधित कार्यवाही चल रही है, कुछ मुश्किलें हैं उनको दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के विरोध के बारे में पूछने पर डीसी गुरदासपुर ने इसको राजनीतिक मामला बताया और कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। कटरा एक्सप्रेस वे अभी बेसिकली रिक्वेस्ट ने काम चल रहे हैं, साढ़े एस टी साहब के कॉल है और नैशनल हाईवे कर रही हैगी है। एक बार जो लैंड एक्विजिशन पूरी हो जाएगी उस तो बाद फिर टेंडरिंग का काम शुरू होगा। सर विरोध होना शुरू होगा जी, किसानों वालों की मीटिंग की थी कि जेडी भी जेडी एक्वायर करने पहुंचेंगे। देखो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना, ये मैं ना पूछो, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन होंगे ने। असं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव दस दिता कि एक्विजिशन काम चल रही है, सो मैं किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन कमेंट नहीं करा। तीन किले आ कोठी आँदी है बच्चे, तो जगह दो ग्राम कोठी की है ये सारी कोठी के उ पाँच साल हो गए पैसे लाऊंगे ते सारी कोठी हुण विच आ गई है, तो हुण असीं किधर जाणा। जमीन साडी बड़ी वधिया जमीन, जदों जमीन विच आ गई तां असीं खावांगे कित्थों, पैसा नूं असीं की करदे, असीं जमीन दे के नहीं राजी। मैं तां गया नहीं, इह मुंडा गया सी तां उत्थे विचारे होईआं भई असीं जमीन नहीं देणी। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖੂਨ ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਲੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਔਜਲੇ ਤੱਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਜਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ,
नोटिस सर्व करते हैं, लेकिन जो असी सरकार के कोल जाने मतलब प्रशासन के कोल जाने प्रशासन सानू किसी पासे भी नहीं लगता, मतलब वो अपनियां कार्रवाइयां कागजी कार्रवाइयां पाई जान दिया साढ़े खेतों के अपनियां कार्रवाइयां जिहड़ियां नैशनल हाईवे ने शुरू कीतियां ने, लेकिन जो असी उन्होंने कंपनसेशन की गल करते हैं जां कोई होर गल करते हैं वो सानू बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, सानू दसदा ही कुछ नहीं कर। ये संबंध में असी फिर क्योंकि इत्थे नहीं थ्रू आउट सारे पंजाब दे विच इन्हां दा इहो ही रवैया है, इस करके असी एक किसान संघर्ष कमेटी का जिहड़ा कि गठन किया है जिहड़ी जिन्ने जिलों के विचों दी ये सड़क निकल के जा रही आ, एक पंजाब इकाई असी बनाई आ, हर जिले जिले का एक प्रधान बनाया होया है और साड़ी एक कामन आवाज़ आई हुई है, सारे बिल्कुल इकट्ठा एक फैसला लिया होया कि जिन्ना चिर तक दिल्ली के साड़ियां किसान जथेबंदियां जो बैठिया हुई ने वो मोदी सरकार वालों बनाए हुए तीन काले कानून वापस नहीं ले जाते, उन्ना चिर तक असी इस सेंटर का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा उन्होंने बिल्कुल अपोज करते हैं, इस करके ये भी एक सेंटर का प्रोजेक्ट आ। और दूसरा तो साढ़े ना धक्का ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि सानू दसते ही कुछ नहीं, उड़ती उड़ती आवाज़ जो आती है वो आता सानू ऑफ द रिकॉर्ड कहें भी असी तुम्हें जो कलैक्टर रेट है तो असी दो गुणा लवेंगे,